everyone, welcome or welcome back to YouTube channel. This is ममता अग्रवाल. So यार, जैसा कि आप सबने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज की पूरी वीडियो किस पर होने वाली है. आज की पूरी वीडियो होने वाली है स्किन केयर के ऊपर. इन द सेंस आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY कार्डेमन क्रीम और जिसे हम कह सकते हैं DIY इलायची क्रीम टू इम्प्रूव योर कॉम्प्लेक्शन एंड आपके स्किन को ब्राइटर बनाने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है. ये सिर्फ 3 चीजों से बना हुआ है एंड आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस हो जाएगी. अगर आप इसे डेली एट नाइट यूज करोगे तो आपकी डेफिनेटली स्किन काफी ज्यादा ग्लोई हो जाएगी एंड क्लियर हो जाएगी. सो यार, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट अ वीडियो. लेकिन वीडियो में मूव ऑन करने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना द रेड बटन बिलो. इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी. सो यार, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स इन वीडियो. सो यार, इस क्रीम को प्रिपेयर करने के लिए जो मैंने फर्स्ट एंड द मेन इंग्रेडिएंट यूज किया था इज कार्डमम, यानी कि इलायची. इलायची को हम हमेशा हमारे किचन में रखते ही रखते हैं क्योंकि इसका स्वाद काफी ज्यादा अमेजिंग होता है. इसको डालते ही ना हमारे चाय का स्वाद हमारे मिठाइयों का साथ काफी ज्यादा एनहेंस हो जाता है एंड ये एक नेचुरल माउथ फ्रेशनर का भी काम कर जाता है. तो इसलिए हम हमेशा इसे यूज करते हैं. तो आज हम उसी का यूज करके बनाने वाले हैं DIY कार्डमम क्रीम. कार्डमम में प्रेजेंट एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी गुण आपके एक्ने को हील करने में काफी ज्यादा अमेजिंग होता है. ये आपके ब्लेमिशेस को भी क्लियर आउट करने में काफी ज्यादा अमेजिंग होता है. अगर आपको डार्क स्पॉट्स हो रखे हैं तो उसे भी रिड्यूस करने में ये काफी ज्यादा अमेजिंग होता है. एट द सेम टाइम अगर आपको पिगमेंटेशन हो रखा है, अगर आपको ऐसे डार्क स्पॉट्स हो रखे हैं, डार्क सर्कल्स हो रखे हैं, तो उसे भी ये काफी ज्यादा लाइटन कर देता है एंड आपके कॉम्प्लेक्शन को भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर देता है. अगर आप इसे नाइट टाइम रूटीन में यूज करते रहोगे या पूरे दिन में कभी भी यूज करते रहोगे तो आपकी स्किन डेफिनेटली कोरियन के जैसे ग्लास स्किन होने वाली है. इतना ज्यादा अमेजिंग क्रीम है. तो इसके लिए जो मैंने फर्स्ट थिंग इसमें यूज किया दैट इज कार्डमम, यानी कि इलायची. इससे पहले भी मैंने आपको DIY कार्डमम ऑयल भी बताया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. वो एक हेयर ऑयल है जो आपके हेयर ग्रोथ को बूस्टअप कर देता है एंड आपके हेयर को काफी ज्यादा सॉफ्ट कर देता है. सेकेंड इंग्रेडिएंट जो इसमें मैंने यूज किया दैट इज एलमंड ऑयल. एलमंड ऑयल में प्रेजेंट विटामिन ई में होते हैं मॉइस्चराइजिंग गुण जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को इवन करने में हेल्प करता है. अगर आपको ड्राइनेस हो गई है, डलनेस हो गई है तो उसे रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है. एंड अगर आपको स्मूथ स्किन चाहिए तो एलमंड ऑयल इज द बेस्ट सॉल्यूशन. इसलिए जो हमने सेकंड इंग्रेडिएंट यूज किया दैट इज एलमंड ऑयल. कोई भी एलमंड ऑयल यूज कर सकते हो, चाहे वो रोगन बादाम शिरन हो, डाबर हो या कोई भी यूज कर सकते हो. थर्ड इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें यूज किया दैट इज एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो क्रीम के फॉर्म में आना चाहिए. लेकिन एलोवेरा जेल में भी मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं. ये आपकी स्किन को ना कि मॉइस्चराइज करता है लेकिन आपकी स्किन को इवन कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, प्लम्पी कर देता है, आपके एक्ने को हील कर देता है, एक्ने मार्क्स को रिड्यूस कर देता है, आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस कर देता है, आपके डार्क सर्कल को रिड्यूस कर देता है एंड इसमें आपकी स्किन को क्लियर बना देता है. तो बस इन्हीं तीनों चीजों को यूज करके मैंने अपना प्रिपेयर किया DIY कार्डमम क्रीम और इलायची क्रीम. सो गाइस, देख लेते ना कि इसको क्रीम को प्रिपेयर कैसे करना है एंड इसमें उसका एप्लीकेशन. सो गाइस, इस क्रीम को प्रिपेयर करने के लिए आपको एक बाउल में ऐड करना है 1 ग्लास ऑफ वाटर. देन इसमें आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून ऑफ कार्डमम पाउडर या तो यार 2 से 3 इलायची भी डाल सकते हो एंड इसे कर लेना अच्छे से बॉईल. इसको इतना बॉईल करना है कि 1 ग्लास का आधा ग्लास रह जाए एंड इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देना है. तब तक आपको एक बाउल में ऐड करना है 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल एंड देन इसमें आपको ऐड करना है 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ एलमंड ऑयल एंड एट लास्ट इसमें आपको ऐड करना है 3 टेबलस्पून ऑफ कार्डमम वाटर एंड इसे कर लेना अच्छे से मिक्स. आपको इतना मिक्स करना है कि इसकी जेल टाइप की कंसिस्टेंसी आ जाए एंड योर DIY कार्डमम क्रीम इज रेडी. अब बारी आती है एप्लीकेशन की. तो एप्लीकेशन से पहले आपको अपने फेस को प्रॉपरली वॉश करना है एंड देन इस क्रीम को अप्लाई करना है इन सर्कुलर मोशन. मेक श्योर करना कि आपको जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स है वहाँ इसे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि ये आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, आपकी स्किन को लाइटन आउट करता है एंड काफ़ी ज़्यादा ब्राइट करता है. आपको इसे डेली रात को यूज़ करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स. आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा प्लम्पी हो जाएगी नेक्स्ट डे. इस कार्डमम क्रीम को प्रिपेयर करना कितना ज्यादा इजी एंड क्विक था गाइस. अब इसके बात करते हैं स्टोरेज लाइफ की. तो इसकी जो स्टोरेज लाइफ है वो है 7 दिन, वो भी फ्रिज के अंदर. बाहर ये 2 से 3 दिन के अंदर ही खराब हो जाएगा. आपको इसे डेली यूज करना है सुबह या शाम में अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. इसे आप वैसे मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो डेली फॉर बेस्ट रिजल्ट. आज की वीडियो बस ये तक थी. वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना. चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. मैं मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.